तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो MIM पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के अंदर जो सदस्यता की अभियान शुरू होती है, अलग अलग पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि सदस्यता लोगों को दिलाई जाती है और एक अभियान चलाया जाता है, सदस्यता अभियान। उसी के तहत MIM पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो मेरठ से ये खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर से। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होने में समय बचा हुआ है, लगभग 2027 में चुनाव है। और अभी से जो ये तैयारी चल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोर से हर पार्टी की तरफ से, एक तरफ अगर बात करते हैं तो भाजपा मंथन में लगी हुई है 2024 के इलेक्शन के बाद से, एक तरफ से गदगद इंडिया अलायंस सपा और कांग्रेस नजर आ रही है, वो खुशी में झूम रहे हैं। और एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो MIM पार्टी, जो कि अभी अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है पार्टी, अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली, कई चुनाव लड़ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पार्टी यहां से हार नहीं मान रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा 2024 में चुनाव लड़ने का काम किया गया, मतलब इनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सके कोई भी कैंडिडेट। इनका गठबंधन जो कि पल्लवी पटेल के साथ इनका हुआ, और उनके ही लिफाफा जो चुनाव चिन्ह, उनके ही चुनाव चिन्ह पर इनके भी कैंडिडेट लड़ने का काम किया गया। इनके तरफ से ऐलान किया गया कि मेरे तरफ से कोई सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इससे पहले विधानसभा में भी चुनाव लड़ चुके हैं, कोई सफलता नहीं मिली, उसमें भी गठबंधन इनका किसी अलग अलग पार्टी के साथ हुआ था, जो पीस पार्टी है उनके साथ। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो तैयारी में लगे हुए, 2024 रिजल्ट आने के बाद से इसमें भी कुछ इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जब अगला चुनाव आए विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें किस तरीके से मजबूत स्थिति में पार्टी चुनाव लड़े, इस पे अभी से तैयारी चल रही है, लोगों को पार्टी की तरफ लाने की कोशिश चल रही है, लोगों को सदस्यता जो दिलाने की कोशिश चल रही है कि कितने ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को जोड़ सके। जैसे होता है ना कि किस सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से भाजपा को बताया जाता है, तो उसी तरीके से हर पार्टी की अपनी तरफ से कोशिश होती है कि हमारे पार्टी के अंदर सदस्यता की संख्या वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि मेहनत जो हो वो ज्यादा लोग करें और हर घर घर तक पार्टी का संदेश आसानी के साथ पहुंच सके। इसी में देख सकते हैं कि नौजवान जो खास तौर से है वो MIM पार्टी के अंदर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और नौजवान इस मुहिम को चलाते हुए भी नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हम बात करते हैं MIM पार्टी को लेकर के, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां अक्सर दौरा होते रहता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शौकत अली साहब है वो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के उत्तर प्रदेश के अंदर, और पार्टी जो है हर मुमकिन कोशिश करती है, हर चुनाव में चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो पार्टी लड़ती है, और हर मुमकिन कोशिश करती है कि इस चुनाव में हमारी जीत हो और पार्टी मजबूत हो, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं और फिर से तैयारी में वो जुट जाते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं तो अभी से अगर पार्टी की बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह पर पार्टी अभी मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पार्टी जो है वो अगला चुनाव जब विधानसभा का आए तो कौन कौन सी जगह से हो सकता है कि ये चुनाव लड़ सकती है, अगर गठबंधन नहीं हुआ किसी के साथ। तो जैसे कि कुछ जगह है जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, अगर हम बात करते हैं तो मेरठ, यहां से भी पार्टी मजबूत स्थिति में है, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, उसके बाद से फुलपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी पार्टी का इनके कार्यकर्ता काफी वहां पर है, और एक जो है मुजफ्फरनगर, वहां से भी
और इसके बाद से इलाहाबाद, और अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ से इनसे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुबारक जी को MIM पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो भी गुड्डू जिनके नाम से फेमस है गुड्डू जी को, वो हार चुके आजमगढ़ लोकसभा से। आजमगढ़ के अंदर जो मुबारकपुर जो लोकसभा सीट है उनको गुड्डू जमाली साहब को MIM पार्टी ने टिकट दिया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको MIM पार्टी ने टिकट देने का काम किया इससे पूर्व में जब चुनाव हुआ उस टाइम, और अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब तक किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर काम नहीं करेगा और बूथ लेवल पर इनके कार्यकर्ता नहीं बनेंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं मानी जाती है। किसी भी पार्टी का देखते हैं, भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो उनका हर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी इलेक्शन होता है तो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता देखने को उनके मिल जाते हैं और वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से। इसलिए अभी MIM पार्टी इस पर ज़्यादा जोर दे रही है कि हमारा जो हर बूथ लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर वो कार्यकर्ता को कैसे तैयार किया जाए। अलग अलग स्टेट में, मैं इसमें बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान के तहत चला करके पार्टी के अंदर कैसे लोगों को जोड़ा जाए। खासतौर से हम नौजवानों की बात करते हैं क्योंकि हमारा भारत जो है वो नौजवानों का देश कहा जाता है, और इसलिए हर पार्टी की कोशिश होती है कि अपने तरफ नौजवानों को खींच कर लाए, महिलाओं को खींच कर लाए, क्योंकि ये महिलाएं जो होती है वो साइलेंट वोटर होती है। महिलाएं बहुत ही फायदेमंद साबित होती है किसी भी पार्टी के लिए, वो साइलेंट वोटर उसको माना जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नौजवानों के जरिए मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चलाई जा रही है ताकि पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और पार्टी का जो भी नियत नीति है वो लोगों के घर घर तक उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे पहुंचाया जाए इस पे जोर दिया जा रहा है। शौकत अली साहब की रहनुमाई में पार्टी काम करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी होता है मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है या दलित समाज आदिवासी के खिलाफ कभी भी जुल्म होता है तो शौकत अली साहब की रहनुमाई में वो आवाज उठाने का काम करती है पार्टी, और हर जिला भाई वहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में पार्टी। गाजियाबाद में अगर हम बात करते हैं वहाँ पर भी पार्टी मजबूत है, वहाँ पर वहाँ से भी कैंडिडेट देने का इससे पहले काम किया गया था। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर पार्टी का विस्तार जो है वो अच्छे से हो चुका है, लोग जानते हैं इस पार्टी को, पतंग छाप को, MIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लोग पहचानते हैं, और ये ब्रांड है। भले वो जीत नहीं पाते हैं, समीकरण चुनाव के समय अलग अलग बन जाते हैं, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर वोटों का ट्रांसफ़र किया जाता है, कभी ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो इसका वोटर उस पर ट्रांसफ़र होता है, उसका वोटर इस पर ट्रांसफ़र होता है, तो ये खेल अक्सर चुनाव के समय देखने को मिल जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्स है जो वोट दे या ना दे सब के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक नज़र आते रहते हैं। तो ये अभी की स्टेटस है, अभी की ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अंदर से निकल कर आ रही है कि वहाँ अभियान चलाया जा रही है, सदस्यता अभियान, पार्टी में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, पार्टी में कैसे लोगों को लाया जाए, ये एक कोशिश चल रही है वहाँ के लोगों के द्वारा, और ये एक अच्छी पहल भी है MIM पार्टी के लिए। तो जो भी अपडेट होगा मैं फिर आपके साथ मिलूंगा, जो भी अपडेट होगा वो लेकर के फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।